हेलो, वेलकम टू कॉलेज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा वड़ा करी। ये बिल्कुल नई रेसिपी है, आपने ये कहीं नहीं देखी होगी। तो सबसे पहले हमने आलू उबाल लिए हैं और अंडे को भी बॉईल करके रख लिया है। आलू में हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लाल मिर्च डालें, हमने आधा चम्मच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और ये हमने चावल का आटा डाला है इसमें। कटा हुआ धनिया डालें और इसे अच्छे से मैश कर लें। अब हम अंडे पर ये कवर लगाएंगे। फ्रेंड्स, पहले हाथों में मैदा लगा ले आप, तो ये हाथ में चिपकेगा नहीं, मैं भूल गई थी। चलो कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। तो आप अगर हाथों में मैदा लगा लेंगे तो ये आपके हाथों से चिपकेगा नहीं। अंडे को हमने चारों तरफ से कवर करना है। ऐसे हाथों से मैदा लगाकर आप इसे चारों तरफ से कवर कर दें। इसे ऐसे मैदे में थोड़ा सा लपेट कर इसे रख दें। ये देखिए, अब हम अब प्रॉपर बना के बताएंगे आपको। आप ऐसे ही मैदा लगा लेंगे हाथों में तो ये बहुत अच्छे शेप देगा। ये सब ऐसे ही बनाकर आप रख लें। ऑयल गरम करें। अब इसमें धीरे धीरे डाल दें। इसे धीरे से इसे पलट दें। देखिए, हमारे एक तरफ से लाल हो चुके हैं। ये दोनों तरफ से लाल हो चुके हैं, इसे निकाल लें।
हमने चार बड़े टमाटर लिए हैं, उसमें हम धनिया डालेंगे और एक कप दही डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब ऑयल हमने निकाल लिया, थोड़े से ऑयल में हम दो ऑनियन को हम पीस कर डालेंगे। एकदम बारीक नहीं पीसना है इसे, इसे हमने अच्छे से लाल करना है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, लाल मिर्च पाउडर डालें, हल्दी पाउडर डालें और स्वाद अनुसार नमक डालें। अब इसमें पिसा हुआ मिश्रण डाल दें टमाटर दही का, इसे अच्छे से भूनना है इसे, जब तक दही अपना तेल ना छोड़ दें। ये हमने धनिया जीरा काली मिर्च पाउडर डाला है इसमें, हमारी ग्रेवी पक चुकी है, हमारा अंडा वड़ा करी तैयार है। खाते समय आप इसमें अंडा इसे कट करके इसे डालें और खाएं और बताएं कि कैसा बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट जरूर किया करें और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।